वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। और आज मैं तुम्हें थोड़े जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। चलो एक पहला ही क्वेश्चन, व्हिच सीजन इज नाउ रनिंग? Which season is now running? अभी कौन सा सीजन चल रहा है? Yes, अभी सबको पता है कौन सा सीजन चल रहा है? मॉनसून। मॉनसून कोई बोलेगा रेनी सीजन, यस वो भी राइट है। Yes, तो यानी कि मॉनसून और रेनी सीजन में बहुत अच्छी बारिश होती रहती है, लेकिन मजेदार बात यह है, देयर इज वन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें देखने को मिलती है, वो है रेनबो। कोई बताएगा मेरे को किसने किसने रेनबो देखा है? Yes, बहुत सारे बच्चों ने रेनबो देखा होगा। मिस इधर भी आप देख सकते हो रेनबो, देश में भी पिक्चर उसका लिया हुआ है। और तो रेनबो कोई बताएगा रेनबो में कितने कलर्स हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? यस सेवन। विच वन? सेवन। तो मिस विच सेवन यानी कि सबसे फर्स्ट वायलेट, इंडिगो, वायलेट इंडिगो और इसके बाद में देखो तो डेस्क में देखो कौन सा कलर है? यस ब्लू कलर। वायलेट इंडिगो ब्लू, ब्लू के बाद में कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन देखो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। ब्लू के बाद में कौन सा आएगा? यस येलो। येलो, येलो के बाद में कौन सा कलर है? ऑरेंज। एंड द लास्ट वन इज रेड। यस तो देखो मीन्स दीज आर द सेवन कलर्स विच वी सी इन द रेनबो, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये सेवन कलर याद कैसे रख देंगे? तो हमारा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं कलर्स का ही है। तो देखो ये मिस इसके लिए आपके लिए एक मजेदार ट्रिक लाया कि आपको सेवन कलर इजीली याद रह जाएंगे। और तो ये कौन सा है? तो देखो तुम्हें ऑनली एक ही वर्ड से याद रखना है और तुम्हें सेवन कलर्स मेमोराइज हो जाएंगे। कौन से देखो, वायलेट का फर्स्ट लेटर कौन सा है? वी। इंडिगो का आई। तो देखो एक एक वर्ड लिख के जाए, देखो इधर वी पी चौक से लिखू नहीं, चलो वी इंडिगो का आई ब्लू ग्रीन का जी येलो वाई
येलो का नाम और ऑरेंज मींस ओ और रेड। देखो इधर विप जो आपस ये कोई वर्ड्स नहीं है वैसे भी, लेकिन तुम्हें नेम याद रख लेगा, चलो इसे आप नेम मान लेंगे तो तुम्हें सेवन कलर्स याद रह जाएंगे इजीली। तुम्हें मैं स्लाइड में जाएगा, देखो कि लाइन में सीरीज में कौन से नंबर देती, मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, ब्लू बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। यस, तो आपको इजीली ये सेवन कलर लाइन यानी सीरीज में याद रह जाएगा। और अब तुम्हें ये सेवन कलर्स याद रह गए हैं तो हम आज हमारा जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उसके बारे में देखें, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड ऑफ कलर्स। द वर्ल्ड ऑफ कलर्स, वर्ल्ड यानी विश्व, कलर्स मीन्स ये वर्ल्ड में कौन से कलर्स हैं, तो इसके बारे में हम देखें द वर्ल्ड ऑफ कलर्स। और इसमें ये चैप्टर हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसमें आज पार्ट वन पढ़ रहे हैं, द क्वाइन कलर्स पार्ट वन। Yes, तो वायलेट ऐसा है, तो आप मिस
अब आप इन्हें रखा कि वो एक हम्बल और विजडम नहीं मतलब तहापन से बोलते हैं तो इस उसका एक सिंबल है कि वही सबसे ज्यादा इस वाइजनेस इसमें ज्यादा है। तो मिस वायलेट ने ऐसा अपना मिस ओपिनियन रखा तब फौरन ही इंडिगो इंडिगो सेड व्हाट सेड इंडिगो स्पोक सॉफ्टली। तभी इंडिगो सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलता है क्या बोलता है एंड द कलर ऑफ साइलेंस जस्ट कलर ऑफ साइलेंस साइलेंस यानी कि पीसनेस यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ईयर इंडिगो ओपिनियन दैट इज द कलर ऑफ पीस एंड प्रेयर कि वो एक पीस यानी शांति एंड प्रेयर तो वहां पे उसको मिस शांति और प्रेयर देते हैं प्रेयर करते हैं तो वहां पे एटमोस्फेयर कितना पीसफुल होता है। तो इधर वायलेट हम देखो तो पहले वायलेट ने क्या बताया था ह्यूमिलिटी एंड विजडम इधर बाद में आया इंडिगो पीस एंड प्रेयर या साइलेंस भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इंडिगो स्पोक सॉफ्टली ही इज द कलर ऑफ साइलेंस पीस एंड प्रेयर। नाउ मिस ये दोनों ने अपने ओपिनियन रखे तब तीसरा कलर यानी कि थर्ड कलर कौन सा था थर्ड कलर यस ब्लू ब्लू इंटरप्टेड तभी बीच में आ गया आकर वो अपना ओपिनियन रखता है क्या ओपिनियन रखता है देखो ब्लू इंटरप्टेड यानी कि बीच में बोला आई एम द कलर ऑफ वाटर यस आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे यस हमारे मैप में भी आप देखो तो सारे जो ओशन से वो कौन से कलर के दिखते हैं यस वो सारे ओशन में जो पानी है उसका कलर कौन सा दिखता है ब्लू यस तो ब्लू ओपिनियन दैट ही इज द कलर ऑफ वाटर और वाटर मेक्स अप लाइफ मीन्स हम बोलते हैं ना जल ही जीवन है ऐसे ही विदाउट मी यू वुड बी नथिंग ये पूरे सेंटेंस में हमें यही सुनने को मिलता है जल ही जीवन है जल के बिना कुछ नहीं वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ यस तो इसमें हम देखे इंडिगो इंडिगो के बाद में ब्लू ब्लू किसका सिंबल है यस वाटर। नेक्स्ट ग्रीन ग्रीन शेड एंड द कलर ऑफ नेचर दैट इज व्हाई आई एम बीच यस इन मॉनसून सीजन वी सी दैट आवर फोर साइड्स टोटली ग्रीनरी वी enjoy the pure nature we see the mountains valleys too much attractive in nowadays so yahi time pe green said that he is the color of nature color of nature
Yes. And then yellow said. तो सब ने अपने अपने ओपिनियन रखे। तो बाद में देखो व्हाइट है, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। तो इसके बाद में येलो कलर आता है। येलो कलर से तय फर्स्ट उसने आकर देखो क्या किया, स्माइल। ये सारे कलर जगड़ देते तो इसमें तब येलो एंट्री मारता है और स्माइल पहले तो थोड़ा हंसता और I bring warmth to the world. Warmth, नहीं बोलते warmth. Warmth मतलब warmth लेते हैं हम. नहीं बोलते हम किसी को बर्थ डे है या किसी के लिए शादी जैसा कुछ है तो हम बोलते हैं warm wishes. तो ऐसे ही warm yellow. I bring warmth to the world. The sun, the moon, and the stars are all yellow. वो yellow smile करके अपना ओपिनियन रखता है और बोल बताता है कि देखो मेरा कितना important है कि ये means देखो sun yellow है, moon yellow है और the stars भी means yellow है। तो येलो ने अपना किस किस कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई, बॉम। यस ऑन देन द लास्ट वन ऑरेंज, सेकंड लास्ट ऑरेंज। ऑरेंज सेड एंड द कलर ऑफ करेज, करेज यानी हिम्मत, साहस। शॉर्टली एट द बेस्ट ऑरेंज सेड दैट कि वो किसका सिंबल है, करेज। ऑरेंज ने अपना ओपिनियन रखा कि इसमें करेज दुष्ट दुष्ट के बने हुए, वो एक मिस करेज का सिंबल है, इसीलिए तुम सब में वही बेस्ट है। और लास्ट में जो बचा वो कौन सा बचा, यस रेड। रेड क्या आपका ओपिनियन लगता है, देखो आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। Yes, what is meaning of strength? Strength, strength means power, power, and authority. Authority means control. स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। तो इधर इसने अपना ओपिनियन रखा कि वे पावर एंड कंट्रोल, नहीं आप बोले कि रेड कोई गुस्से हो जाता है, नहीं बोलते उसका मुंह लाल हो गया। तो ऐसे रेड इज हमेशा सिंबल ऑफ एंग्रीनेस, और एंग्रीनेस की ताकत क्या है, ताकत का दिखावा वन टाइप ऑफ। तो ऐसे ही ये सेवन कलर ने बस अपने अपने ओपिनियन रखा। देखो वायलेट ने क्या ओपिनियन रखा कि वो कैसा है, इसमें ह्यूमिलिटी एंड विजडम ज्यादा है तो वो बेस्ट है। इंडिगो इसने क्या बोला कि वो कौन सा कलर है, वो पीस एंड प्रेयर यानी वो साइलेंस का सिंबल है। ब्लू, ब्लू ने क्या बताया कि वो एक वाटर कलर है, इसलिए इसका वाटर का सिंबल है, वाटर के बिना कुछ नहीं है। और ग्रीन, ग्रीन ने अपने अपना नेचर, नेचर के बारे में बताया कि वो नेचर का सिंबल है तो वो बेस्ट है। और येलो, येलो इज वॉर्म, वॉर्म का एक हमें सिंबल बताया। ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स करेज, हिम्मत। रेड स्ट्रेंथ एंड
अथॉरिटी। तो देखो जैसे ये सेवन कलर्स ने अपने अपने सिंबल और अपने अपने क्या है ओपिनियन रखे और इसमें यहाँ पे झगड़ते थे, जैसे सेवन कलर ने अपने अपने ओपिनियन रखे और इसके आगे क्या होता है ये सारे थिंग्स मिसिस्ट्रेन लोगों का झगड़ा इधर तक पहुंचाता और ये झगड़े में ये क्वारलिंग में आगे क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें इसमें पूरा पता चल गया होगा। ओके थैंक यू।